हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी जो तान्या होती है वो बहुत गुस्से में होती है और वो पूजा से अक्के का हाथ छुड़ा देती है और कहती है बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारी जो नौटंकियाँ है ना वो मैं बहुत देख चुकी। पूजा कहती है हाउ डे यू, तुमने मुझे छुआ भी कैसे, औकात भूल गई हो क्या अपनी। तो तान्या कहती है मेरी औकात मैं तो नहीं बोली हूँ, लेकिन लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। समझ में आया? तुम क्यों किसी के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हो, समझती क्या हो भाई अपने आप को, क्या हो तुम, हाँ हो क्या तुम, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, सब जानते हैं, बस कोई तुमसे बेवजह मुंह नहीं लगना चाहता। ये जो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं? नहीं, दे नो कि तुम जैसी लड़कियों के साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जाता है और तुमसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। समझ में आया? दैट्स व्हाई तुम्हारे पीछे पड़े रहते। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें कुछ है? पूछो कहती अपनी जुबान को लगाम दो तान्या, नहीं तो कहती नहीं तो क्या जो अक्की के साथ किया वो मेरे साथ करोगी? कर लो एक बार डांसर मेरे सामने चुप। हाँ, एक बार डांसर तुमसे जुबान लड़ा रही है क्योंकि उस बार डांसर में इतनी काबिलियत है कि अपना खर्चा खुद उठाती है, तुम्हारी तरह नए नए शिकार नहीं पालती। शड़ा तान्या, तुम बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ रही हो। अच्छा, मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ और तुम्हें जो करना था अक्की के साथ तुमने कर लिया ना, अब उसके पीछे क्यों पड़ गई हो? अक्की हर बार चोट खाती है, तुम उसे गिराती हो, पूरी तरह तोड़ती हो और वो हर बार पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाती है, इस बात से दिक्कत होती है तुम्हें? तुम्हारी दिक्कत क्या है आज? पहले तुम यही क्लियर कर दो, बाकी चीज़ें तो बाद में क्लियर होंगी। क्यों तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त, क्या बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा, हाँ बोलो जवाब दो, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? प्यार ही तो किया है ना तुमसे, प्यार करने की इतनी बड़ी सजा तो कोई इंसान अपने दुश्मन को भी नहीं देता। अरे प्यार तो खुदा की वो रहमत है जो बहुत मुश्किलों से मिलती है और फिर सच्चा प्यार करने वाले तो बहुत ही नसीब से मिलते हैं, तुम्हें मिली थी अक्की, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अब तो संभल जाओ, अब तो कुछ सीख लो, नहीं तो किसी दिन भगवान तुम्हें इस तरह तोड़ के गिराएगा ना पूजा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। तब सुन के पूजा को एकदम गुस्सा आता है, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बकवास करने की और मेरा हाथ छूने की, कह के वो आगे बढ़ के उसको खींच के थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तान्या उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसका हाथ झटक के और एक थप्पड़ उसके गाल पे रसीद करती है, कहती है बस बहुत हो चुका तुम्हारा। समझ में आया? बहुत हो चुका, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब
कि वो शांत होती है इधर के इन दोनों के नाटक देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पूजा की जो फ्रेंड्स होती हैं बाकी जो उसके इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती थी वो तान्या की तरफ देखती है और कहती है लो जिसके लिए तुम इतना लड़ाई कर रही थी वो तो चली गई ना, उसे तो तुम्हारे एफर्ट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने एफर्ट्स लगाने का, उसे तो कोई पड़ी नहीं है तुम्हारी और तुम हो कि उसके लिए यहाँ सबसे पंगे ले रही हो। बेवकूफ लड़कियाँ तुम जैसी होती हैं। तो तान्या उन दोनों की तरफ देखती और कहती है लग रहा है एक डोज तुम्हें भी देना बाकी है। पूजा तो वहाँ गुस्से से तिल मिला के जा चुकी होती है, वो वहाँ अब एक मिनट रुकना भी गवारा नहीं समझती क्योंकि पूरा कॉलेज उसे थप्पड़ खाता हुआ देख चुका होता है। अब बस हर हाल में पूजा बदला लेना चाहती है उससे पूरी तरह, चाहती है कि बस किसी तरह तान्या को वो नीचा दिखा सके। घर पे आके अपना बैग फेंकती है जोर से और मनी मन पड़पड़ाती रहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, किसने मुझसे पंगा लिया, आज तक इसकी इतनी भूलने की हिम्मत नहीं हुई और आज सडन इतनी हिम्मत आ गई कि वो मुझसे जबान लड़ाने लगी। धन्यवाद तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे उलझ के, तुम्हारी जुबान तो मैं ऐसे कतरूंगी कि तुम किसी के सामने बोलने लायक ही नहीं रह जाओगे। याद रखना मेरी इस बात को, तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर किसी के सामने अपना चेहरा नहीं उठा पाओगे। याद रखना। और तिल मिला के इधर उधर अपने घर में घूमती रहती है तभी उसकी भाभी आती है बाहर से और उसको गुस्से में देखती है तो कहती है क्या हुआ पूजा, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। तो पूजा बहुत बदतमीजी से बात करती है और कहती है तुमसे मतलब, तुमसे कोई मतलब है नहीं ना, मुझसे बेवजह की बात मत क्या करो आप, आप सिर्फ वाइफ हो मेरे भैया की, मेरी कुछ नहीं लगती, मुझसे किसी तरीके का कोई रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना नहीं तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा, ये याद रखना। उसकी भाभी आगे आती है पूजा का हाथ पकड़ती है और कहती है क्यों हर वक्त गुस्से में रहती हो, क्या हो चुका है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे भैया ने शादी के टाइम पे बस एक बात मुझसे बोली थी कि मम्मी पापा के बाद मैं और तुम ही पूजा के लिए सब कुछ, उसे कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम मत आने देना और इसी के नाते मैं तुम्हारा बस ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम हर बार मुझसे इस तरीके से बात करते हो, आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि रीज़न क्या है, तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे कभी ढंग से बात तक करना ज़रूरी नहीं समझती, आज इस बात का जवाब मुझे चाहिए।
जो एकदम से उसका हाथ झटकती है और कहती है, मुझे आपको किसी बात का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे जितना दूर रह सको उतना रहो, किसी से प्यार है पूछो तो मैंने कहा ना जितना दूर रह सको उतनी दूर रहो मेरे से, मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ना, मेरी माँ नहीं है मेरे पास, तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो आप, गेट लॉस्ट। तभी उसके भैया आते हैं, कहते हैं खबरदार पूजा क्या तमीज़ी है ये तुम्हारी, तमीज़ भूल चुकी हो क्या, किससे कैसे बात की जाती है तुम्हें समझ नहीं आता। तो मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि मुझसे दूर रहा करिए, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ये अपने नंबर बढ़वाने आ जाती है यहाँ पे। मिल गई आपको शांति, मेरे भाई से मुझे डांट पड़वा के आपको मिल गई ना शांति, हीरोइन बन के मज़ा आ रहा होगा अब आपको, दिखा दिया ना आपने मेरे भाई को कि आप मेरी कितनी केयर करती हो और मैं ही बदतमीज़ हूँ। तो हूँ मैं बदतमीज़ भैया, इनसे कहिए ये मुझसे दूर रहा करें, इन्होंने आपको मुझसे छीन लिया। बस पूजा, इसने तो मैं मुझसे नहीं छीना है, तुम्हारी हरकतों ने मुझे तुमसे दूर किया। तो मैंने हज़ार बार चीज़ें समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, आए दिन कहीं पार्टी कहीं शराब कहीं कुछ, घर में ये सब करना बंद कराया तो तुमने दूसरे अड्डे चुनने लगे, नए नए लड़कों के साथ कभी कहीं कभी कहीं, शर्म तो तुम्हें जैसे बची ही नहीं है। तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों को देख के मुझ पे क्या बीतती होगी, तो मत देखिए ना भैया, यही तो प्रॉब्लम है ना पूजा, कि मैं तुझे जान से मार भी नहीं सकता। मम्मी पापा को प्रॉमिस जो किया था कि तेरा मैं यहाँ बहुत ख्याल रखूँगा, तो उसके भाभी आती और कहती है, प्लीज़ प्रतीक शांत हो जाओ, बच्ची है वह, वो बच्ची है, वो बच्ची नहीं है, वो तुम्हारी बस ये कॉलेज कंप्लीट हो, तुम्हारी मैं शादी करूँगा और तुम्हें यहाँ से पता करूँगा। अच्छा, आप मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी शादी करवा देंगे और मैं कर लूँगी, सीरियसली आपको ऐसा लगता है, करनी तो तुम्हें पड़ेगी पूजा। देखती हूँ भैया किस कौन अपनी ज़िद को बनवाता है, ये कह के पूजा अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में। उसका भाई अपनी वाइफ की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मेरे लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि ये तुम्हारी कभी ममता को देख ही नहीं पाई, काश मैंने इसमें प्यार के साथ साथ संस्कार भी डाले होते तो आज ये ऐसी ना होती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे इस बेइज्जती का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तो कहते हैं, प्रतीक प्लीज़ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस परिवार को मैंने अपना परिवार भी माना है, तुम मुझे यूँ पराया नहीं कर सकते, प्लीज़ बहुत हो चुका, बस कर जाओ। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना शेयर करना और किसना भूलिए, बाय बाय।